उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक श्री महाराज जी मध्य प्रदेश के विदिशा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के समर्थन में आयोजित रोड शो में सम्मिलित होकर जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार किया। सभी ने पूरे उत्साह के साथ भाजपा को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने का संकल्प लिए। महाराज जी का विश्वास है कि मध्य प्रदेश में इस बार भी पूरी तरह से भगवा लहराने वाले हैं। मोदी ने दुनिया को करवाया भारत की ताकत का एहसास। बोले, हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य पर कर रहे हैं काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आर्थिक रूप से ताकतवर बन रहा है। आर्थिक समृद्धि के मामले में 2004 से 2014 तक हम 10 वर्षों में भारत को 11वें स्थान से 5वें स्थान पर लाए हैं। भारतीय जनता पार्टी को विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की गारंटी देती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मोदी सरकार द्वारा गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन दिए जाने का व्यवस्था लगातार चल रही है। प्रिय साथियों नमस्कार। उक्त बात भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मध्य प्रदेश स्थित धार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती सावित्री ठाकुर के समर्थन में लालछा में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के कार्यों ने दुनिया को भारत की ताकत का एहसास करवाया है। चंद्रमा के साउथ पोल पहुंचने वाला भारत यहां एक और भारत पहला देश बना है। वहीं दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध को कुछ समय के लिए रोकने के साथ साथ यूक्रेन से 22,000 से अधिक भारतीयों को सकुशल स्वदेश वापसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व क्षमता का ही परिणाम है। इतना ही नहीं, तिरंगे के सहारे भारतीयों के साथ साथ बाहर फंसे अन्य देशों के नागरिकों की भी आपसी संभव हो पाई थी। श्री महाराज ने कहा कि भाजपा सरकार जिस संकल्प पत्र को चुनाव में लेकर आई है उसमें स्पष्ट रूप से गारंटी दी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में सामने आएगा। भाजपा का संकल्प पत्र गरीबों की सेवा की गारंटी भी देता है। इसलिए संकल्प पत्र में कहा गया था कि अगले 5 वर्षों तक गरीबों को मुफ्त राशन, गैस कनेक्शन और पीएम सूर्य घर से 0 बिजली बिल की व्यवस्था की जाएगी। हमारी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत देश में 10 करोड़ गैस कनेक्शन दिए हैं। सस्ता गैस सिलेंडर घर घर पहुंचाया है और हम पाइपलाइन के माध्यम से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे। हमने 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई हैं और अपने संकल्प लिया है कि हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम करेंगे। प्रिय साथियों कुछ समाचार मानव उत्थान सेवा समिति से। महात्मा श्री अदिनाबाई जी ने आज सदगुरु आज्ञा से मानव उत्थान सेवा समिति सिलीगुड़ी उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र का अध्यक्ष पद भार महात्मा श्री दीपिका बाई जी को हाथों में समर्पित किया। मानव उत्थान सेवा समिति सिलीगुड़ी उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र का महत्वपूर्ण सभा आज सिलीगुड़ी हंसपुर आश्रम में सम्पन्न हुआ। इस सभा में उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र के भूतपूर्व अध्यक्ष महात्मा श्री अदिनाबाई जी का प्रेमपूर्ण विदाई सम्मान तथा सदगुरु महाराज जी की आज्ञा से इस क्षेत्र में ज्ञान प्रचार प्रसार हेतु नव चयनित अध्यक्ष महात्मा श्री दीपिका बाई जी का स्वागत किया गया। अपने आशीर्वचन में पूज्य महात्मा श्री अदिनाबाई जी ने कहा कि गुरु दरबार में सबसे महत्वपूर्ण मर्यादा तथा सदगुरु महाराज जी की आज्ञा पालन। जो शिष्य आज्ञा में रहकर तथा सदगुरु महाराज जी की आज्ञा में रहकर और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तीनों लोक में किसी का भय नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि सदगुरु महाराज जी साधारण मनुष्य नहीं हैं, बल्कि महापुरुष हैं जो अपने ज्ञान नेत्र से हमारे हर कर्मों को देखते हैं। इसीलिए सदगुरु महाराज जी की आज्ञा में हमें किंतु व परंतु नहीं करना चाहिए।